तस्वीरें आपके सामने इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि काशी के 2 दिन के दौरे पर है, वाराणसी में इस समय मौजूद हैं। और आज जो कार्यक्रम है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आप देखिए काशी विश्वनाथ में आज पूजा अर्चन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दिन भर इसी तरह के कई कार्यक्रमों में उनकी शिरकत रहने वाली है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये काशी से है, वाराणसी से आपके सामने तस्वीरें। 2 दिन के दौरे पर कल पहुंचे हैं वाराणसी, सुबह त्रिपुरा में मौजूद थे जहां उन्होंने माँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया था। और सनातन को लेकर एक बहुत ही सुंदर एक संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया। अब आज देख सकते हैं आप दूसरा दिन वाराणसी का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, मंत्रोच्चारण के बीच में आज पूजा पाठ संपन्न कराया जा रहा है। तमाम पंडित इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद देख सकते हैं आप। तो महत्वपूर्ण है ये सीएम योगी का काशी का दौरा, काशीवासियों के लिए बड़ी सौगात भी लेकर आए हैं। आप लगातार देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जिले जिले का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे अमेठी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे आगरा अलीगढ़ हो, उसके बाद त्रिपुरा गए हैं और अब इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं वाराणसी, आज दौरे का है दूसरा दिन। अमूमन इस तरह से आप पूजा में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखते ही हैं। और आज के दिन तो विशेष पूजा अर्चना जो की जा रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, दूसरी तरफ आज विश्वकर्मा पूजा भी है, अस्त्र शस्त्रों की आज पूजा होती है। और ऐसे में आज के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोनों ही लिहाज से आप कह सकते हैं आज की ये पूजा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ये विशेष हो जाती है, इसका बहुत महत्व और मायने हैं। इसीलिए मंत्रोच्चारण के बीच में काशी विश्वनाथ में पूजा संपन्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। इसके आगे आपको बता देते हैं कि आज कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज, तो पूरे देश भर में कई कार्यक्रम बीजेपी करवा रही है। खास तौर पर उन राज्यों में कार्यक्रम होने हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। श्रमदान, सेवादान, सब ब्रजेश पाठक को आपने देखा था जिन्होंने झाड़ू लगाई है, श्रमदान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए आज जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद पीएम के जन्मदिन को लेकर विशेष कार्यक्रम जो होना है, सफाई अभियान के जो कार्यक्रम होने हैं उसमें जरूर शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। तो जब भी वाराणसी जाते हैं मुख्यमंत्री, चाहे राजनीतिक दौरा हो, चाहे वाराणसी वासियों के लिए बड़ी सौगात हो, काशी विश्वनाथ और भोले बाबा के प्रति अपार आस्था है, ऐसे में विशेष पूजन मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तय कार्यक्रम मुख्यमंत्री के थे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और काशी के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरफ पहले काल भैरव में दर्शन करने के लिए पहुंचे, ये तय कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का। और इस समय की लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहाँ पर काशी विश्वनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और विधि विधान से पूजन में जुटे हुए हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में विशेष पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस पूजन का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है, दोगुना ही महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो ऐसे में आज का ये पूजन विशेष महत्व रखता है। काल भैरव भी पहुंचे हैं जहां पर पूजन किया है, मत्था टेका है। काल भैरव पहुंच के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत भी मंदिर परिषद की तरफ से उनके लिए किया गया, लाल चुनरी उनको ओढ़ाई गई और फूलमाला उनको पहनाई गई। ये आज के मुख्यमंत्री के 2 तय कार्यक्रम जिसमें लाइव तस्वीरें आपके सामने और काल भैरव में दर्शन करके इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भी ये पूजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि देखिए आगामी उपचुनाव 10 सीटों पर जो होने हैं विधानसभा के, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए। प्रदेश में इन 10 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से आप कह सकते हैं मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाला हुआ है। जिले जिले का दौरा वो कर रहे हैं, लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, करोड़ों की सौगात जिलेवासियों को दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि आगामी चुनाव के लिहाज से भी ये पूजन विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि भले ही लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन मन मुताबिक ना रहा हो, लेकिन आगामी उपचुनाव जो विधानसभा के 10 सीटों पर होने हैं, इसमें बीजेपी की मजबूत स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी।